मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का मॉर्निंग थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, अच्छे नोट पे स्टार्ट नहीं हुआ। जब मैं उठी तो आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, लाइक नीदर फिजिकली नॉर मेंटली। तो फिजिकली भी बहुत बॉडी पेन एंड बॉडी एक ही सारी चीज़ें हो रही थी, और मेंटली इमोशनली भी ऐसा लग रहा था बहुत ड्रेन्ड आउट हूँ मैं आज। मतलब आई डोंट हैव एनी एनर्जी टू डू एनी थिंग, नॉट इवन यू नो आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर चीकू स्टिफिन। उसका फ्राइडे डे था, सैलड डे था, तो सैलड के नाम पे आज मैंने उसे नॉर्मल खीरे टमाटर दे दिए एंड पास्ता दे दिया साथ में। सो कभी कभी ऐसा होता है, आप इतने थक जाते हो लगातार, तीन चार दिन लगातार काम करते करते, फिर एक दिन एक ऐसा आता है कि आप बहुत ड्रेन आउट फील करते हो। प्लस मैं रात में सो भी नहीं पाई, दिस इज़ वन ऑफ द टॉप ऑफ रीज़न। चीकू ने रात भर पता नहीं उसे क्या हुआ था, वो रात भर हर 15 मिनट में बार बार जग रहा था, बल्कि वो खाना खा के सोया था प्रॉपरली, सब कुछ था, तबीयत ठीक थी। आई डोंट नो क्या उसे हुआ, तो माइट भी ये हो सकता है। बट आई रियलाइज कि सुबह से 3-4 घंटे जो मेरे निकले ना, एकदम ऐसे लथार्जिक सी थी मैं कि नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। और देन द मोमेंट आई टुक अ शावर, अ हॉट शावर, उसके बाद मुझे इतना बेटर फील हुआ। तो मैंने सोचा ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करी जाए कि अगर कभी आपको ऐसा लगे ना मॉर्निंग में उठ के कि बहुत बॉडी एक हो रहा है, या नॉट मतलब बहुत ड्रेन आउट सा फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत लथार्जिक सा फील हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आप शावर लीजिए, हॉट शावर लीजिए, और अच्छे से उस दिन अपना फेस स्क्रब करिए, अपनी बॉडी स्क्रब करिए, बॉडी वॉश यूज़ करिए, या जो आप वीकली जो एक रूटीन करते हैं ना बॉडी को पैम्पर करने वाला, वो आप करिए ड्यूरिंग दी शावर। और मतलब आराम से नहाइए अगर आपके पास में टाइम है, तो मतलब 30 से 40 मिनट आराम से लीजिए, जो भी चीज़ें करिए, और उसके बाद आप फील करेंगे, आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करेंगे। आपको लगेगा कि जो थकान और सारी चीज़ें हो रही थी वो बिल्कुल अब गायब है, गायब इन द सेंस काफ़ी हद तक कम है। लाइक बॉडी एक मुझे अभी भी हो रहा है, माइट बी वेदर की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो गई एकदम से, और फिर हमने एसी चला लिया पूरी रात भर, तो वो होता है ना 30 के बाद आपको 40 जैसा फील होने लग जाता, वही हमारे साथ में भी हो रहा है। तो ये हुआ, और इसलिए बॉडी एक तो है, बट जो लो ऑन एनर्जी मोड वाला था ना, वो एटलीस्ट काफ़ी हद तक बहुत कम हो चुका है, तो मुझे बेटर फील हो रहा है। और मैंने सोचा था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में, ब्रेकफास्ट भी मैंने कोई बहुत खास नहीं बनाया, सिंपल बटर सैंडविच बनाए, और उसके बाद मैंने सोचा था कि दोपहर में मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी स्विगी से, बट अब मुझे बेटर फील हो रहा है, मैंने आटा लगा दिया है, भिंडी काट दी है, तो एज़ यूजुअल चीकू को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वीक में एक बार तो हम भिंडी बना ही देते हैं, तो भिंडी बनाऊंगी और पराठे रोटी जो भी होगा वो बना लेंगे। तो ये था बड़ा बड़ा आज का, बाकी के देखते हैं आज दिन में क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। थोड़ा प्लान किया है शाम को बाहर जाने का, लाइक कॉफ़ी वॉफ़ी पीकर आएंगे, और 2-3 काम भी हैं छोटे छोटे टेलर के, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने बीच में बहुत मतलब 2-3 बहुत ब्यूटीफुल साड़ी मंगाई थी मीशो से, एक दो अच्छे नहीं आए थे, एक दो बहुत अच्छे आए थे, तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि अगर आपको मॉर्निंग में लो ऑन एनर्जी लगता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं। लाइक मेरा, मुझे तो आज ये चीज़ लगी कि ऐसा करने के बाद मुझे बेटर लगा, आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि आपको बेटर लगता है, कमेंट डाउन करके जल्दी से मुझे बताइए। सेकेंडली यू कैन डू वन मोर थिंग, आप शावर लेने के बाद में ये भी कर सकते हैं जो मैं यूजुअली करती हूँ। आज शावर वाला तो मेरा न्यू डिस्कवर, मुझे ऐसा लगा कि शावर के बाद में मुझे बेटर फील हो रहा है, बट यूजुअली जैसे कभी होता है ना मैं बहुत लो ऑन एनर्जी हूँ या बहुत मूड खराब है, तो मैं उस दिन रेडी डेफिनेटली होती हूँ, शादी वाला रेडी नहीं, लाइक डिसेंट वाला रेडी, लाइक थोड़ा सा मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी उस दिन, और वेल ड्रेस होंगी, थोड़ा सा मेकअप कर लूंगी, लाइट मेकअप कर लूंगी, हेयर वॉश कर लूंगी, जैसे आप देख ही रहे मेरे हेयर्स को, तो थोड़ा सा पैम्पर ही करती हूँ, उससे भी मेरा मूड काफ़ी हद तक सही होता है। तो ये चीज़ें मेरे को वर्कआउट करती हैं, और मेरे हिसाब से सिर्फ आपको उस दिन का वेट नहीं करना चाहिए कि आप बीमार हैं या आप बहुत लो ऑन एनर्जी हैं, उसी दिन आप रेडी होंगे, आप रेडी होइए। इससे क्या होता है कि धीरे 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 करके जब आप एक अच्छे तरीके से रोज़ रेडी होना स्टार्ट करते हैं ना, आपका बाहर जाने का भी मन करेगा, आप वॉक पे भी जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको कोई रूटीन का काम अगर बाहर जाके करना तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो आप इमीडिएटली बाहर चले जाएंगे। और भी बहुत सारे रीज़न है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, मैंने मेरे साथ में ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। जब मैं बहुत ऐसी रहती थी, रैंडमली रहती थी घर में, वर्सेस जब मैं बहुत अच्छे से वेल ड्रेस होकर रहना स्टार्ट मैंने कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ा है। और तुम ये आप ये भी आप कर सकते हैं, तो ये तो मेरा तरीका है चीज़ों को देखने का, करने का। आप क्या आप
क्या करते हैं, मतलब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो भी मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। बाय द वे, लिपस्टिक थी बॉबी ब्राउन की, शायद मैंने शेयर भी करी है अपने नायका लग्जरी हॉल के अंदर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए उस वीडियो को। इसका शेड है क्रश्ड लिक्विड लिप रफल एवरेज एंक्रे, शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, आई एम सॉरी, बट हाँ इसका कोड है 812 क्रश्ड लिक्विड लिप। तो ये बहुत अच्छा कलर है, लाइक पिंकिश न्यूड है ये और अच्छा है। सेकेंड, मैंने एस्टेल ऑर्डर के दो तीन चीज़ें मंगाई थी तो उसके साथ ही फ्री मुझे मस्कारा मिला, कुछ ऑफर चल रहा था उस टाइम पे तो तब मिला ये। तो मैं बेसिकली जो बेसिक मेकअप है ना उसमें यही करती हूँ कि मैं काजल लगाती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ, कोई भी लिपस्टिक होगी, मतलब डार्क नहीं, नॉर्मल सटल से कलर की, जैसे न्यूड हो गया और मॉव हो गया, पिंकिश हो गई, पिंकिश के कोई शेड हो गए, तो इस तरीके से लगाती हूँ। काजल आज मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी मॉर्निंग से बहुत पफी आईज हो रही हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं सो नहीं पाई थी तो इसलिए काजल नहीं लगाएंगे। नीचे लग गया, खराब हो गया, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मेकअप करने का मैं नहीं कर सकती ढंग से मेकअप। तो ये मेरा बेसिक सा मेकअप है जो मैंने किया है, सिंदूर और इयररिंग्स नहीं पहने क्योंकि अभी बाल गीले हैं तो क्या होता है कि फंस जाते हैं इयररिंग्स। मैं गोल वाले नहीं पहनती, मैं पेच वाले जो होते हैं ना वो पहनती तो फंस जाते, तो काफ़ी बार खो गए हैं मेरे, तो इसलिए मैं वो नहीं पहन रही। बाल वाल सुखा के उसकी बात करूँगी। बालों के अभी हाल ऐसा है, बालों का लाइफ अपडेट ये है कि हम लोग गोवा गए थे, तो बालों की लाइफ अपडेट ये है कि हम लोग गोवा गए थे और वहाँ पे क्योंकि खारा पानी था, ऑल द प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा पानी आ रहा था सबका, बट मुझे पानी से थोड़ा सा दिक्कत हुआ वहाँ पे ह्यूमिडिटी उन सारी चक्कर में, तो मेरा हेयर फॉल अगेन बढ़ गया, तो दोबारा से इट्स टाइम टू यू नो टेक केयर ऑफ माई हेयर्स वाला सीन हो चुका है। बाय द वे, मेरे हेयर्स की लेंथ थोड़ी सी अच्छी हो गई है, लाइक थोड़े से लंबे हो चुके हैं, अब ये लंबे हो गए तो मेरा मन कर रहा है मैं इनको कटा लूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं इनको वापस कटा लेती हूँ, शोल्डर तक कटा लेती हूँ और अच्छा सा फिर यू नो कलर भी है, अब कर्ल करने भी आते हैं हेयर्स को। इस पर मैं डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, मैं खुद भी अभी सीख रही हूँ, जब मैं प्रॉपरली उस पर मेरे हैंड्स ऑन एकदम हो जाएगा तब मैं बनाऊंगी। तो ये अपडेट है, तो बाकी देखते हैं पूरे दिन में क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो शाम हो चुकी है, हमने दोपहर को कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली खाना खाया और मैंने क्योंकि मेरी रात में नींद पूरी नहीं हुई थी तो मैंने आज मैं दोपहर में सो गई। मैं यूजुअली दोपहर में नहीं सोती हूँ, रीज़न इज़ दैट कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी सो गई ना, लाइक 15-20 मिनट के लिए भी अगर मैं सो गई, चाहे वो 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, किसी भी टाइम पे हो, मतलब अप टू 5 मतलब 5 बजे तक के बीच में, 1 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, तो होता ये है कि मुझे ना रात में नींद नहीं आती, चाहे मैं कितना भी वॉक कर लूँ, कितना भी काम कर लूँ, मतलब कितनी भी थक जाऊँगी तो भी मुझे शायद 12:30-1 बजे से पहले नींद नहीं आती है, तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ दोपहर में सोना, ये काफ़ी टाइम से है। अरे देखिए अलग ही एनर्जी में, ओ पिंक कलर डोनट है, ये डोनट है 3। तो इसलिए आज मैं दोपहर में सो गई, थोड़ा मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लाइक मेरा जो हल्का हल्का हेडेक हो रहा था मॉर्निंग में वो नहीं है अब, एंड कुछ ना कुछ चल ही रहा है इसके। देखिए हाय, तो ये था अपडेट। तो आज मैंने मंगाया अपने लिए बेल्जियम वॉफल, मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई ऑन शुगर होता है तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ उसको खाना, तो वो मैंने मंगाया है। पता नहीं आज मैंने ना खुद के लिए पैम्परिंग डे रखा हुआ है कि आज सुबह से मुझे खुद को पैम्पर करना है, और यहाँ है ना अलग ही माहौल बना हुआ है। पीकू को बाहर वॉक पे जाना है क्योंकि उसका पॉटी का टाइम हो गया है, और मैंने बेल्जियम वॉफल ऑर्डर किया हुआ है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ, एक बार वो आ जाए फिर मैं उसको लेके जाती हूँ। एंड ही इज़ गेटिंग वेरी एंशियस कि क्यों नहीं लेके जा रहे भाई, टाइम हो गया। और यहाँ देखो इसने जस्ट अभी अपना स्नैक टाइम में रोटी खाई है, तो एक अलग ही एनर्जी में है ये बच्चा। देखिए
अच्छा आप लोग भी क्या अपने बच्चों को मतलब समर आउटफिट में वेस्ट और सिंपल अगर डायपर पहनता है बच्चा तो डायपर पहनाते हैं, क्योंकि मैं तो यूजुअली यही पहनाती हूँ। चीकू को थोड़ा सा रैशेस प्रॉब्लम हो जाते हैं गर्मियों के टाइम में, अगर हम उसे फुल कपड़े पहना दें तो फुल अंदर से नॉर्मल टी शर्ट एंड ट्राउज़र अगर उसको पहना देते हैं, शॉर्ट्स भी पहना देते हैं तो भी, तो हम उसको प्रेफर करते हैं मेजरली जितना टाइम वो घर में रहता है ना तो उसको यही उसका समर आउटफिट होता है, बाहर कहीं जाता है तो फिर उसको प्रॉपर ड्रेस करते हैं। तो आप लोग भी यही करते हैं क्या बच्चों के साथ में? कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। नहीं, जब आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं ना तब वो क्यों इतना टाइम लेती है आने में? मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ मेरे बेल्जियम वफल का। तो मैं ये बता रही थी वो बहुत ज़्यादा हाई ऑन कैलोरी होता है, बहुत ज़्यादा शुगर उसमें होता है। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं शुगर इंटेक थोड़ा कम कर दूँ, बिल्कुल निल नहीं कर रही हूँ मैं, धीरे धीरे करके काम कर रही हूँ। क्योंकि बीच में जैसे मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही थी तो उस टाइम पे भी मेरे को यही दिक्कत हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब लो ऑन एनर्जी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम होने लग गया। तो मैं अब धीरे धीरे करके अपना डाइट कंट्रोल कर रही हूँ। बट आज बहुत मन कर रहा था, पता नहीं कहाँ मैंने किसका ही पोस्ट देखा था बेल्जियम वॉफल वाला, तो उसके बाद से तो ऐसा हो गया कि खाना ही खाना है। तो बस अभी ऑर्डर किया और उसी का वेट कर रही हूँ मैं। तो मेरा फेवरेट जो बेल्जियम वॉफल में है ना वो है निक न्यूटेला, मतलब अपार्ट फ्रॉम सारे बेल्जियम वॉफल एक तरफ और निक न्यूटेला वॉफल एक तरफ, वो इतना अच्छा लगता है, सटल टेस्ट स्टैंडर्ड जो जितना चॉकलेट उसमें होना चाहिए तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं बनाना आइसक्रीम इन सबके साथ नहीं खाती, सिंपल जैसा होता है ना बेसिक वैसा ही खाती हूँ। तो उसका वेट कर रहे हैं, देखो कब आता है। और वेदर इतना अजीब हो रहा है ना, बादल हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी सी हो रही है। कल तो ऐसा था कि बारिश होगी बट बारिश तो नहीं हुई भाई, आज भी कुछ ऐसे ही अजीब सा मौसम हो रहा है। कपड़े धोने होते हैं ना समझ में नहीं आता धोए कि नहीं धोए, बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा बट अजीब सा आजकल वेदर होने लग गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो देखते हैं क्या है, कैसा वेदर रहता है। जैसे मैंने कहा था कॉफ़ी पीने का हमने प्लान बनाया था बट शर्मा जी की कोई मीटिंग आ गई तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, इसलिए आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ, आई एम पैम्परिंग माई सेल्फ बाई गिविंग मी अ स्वीट ट्रीट। इट्स अ चीट डे। बेल्जियम वेफल आ गया चीकू। मम्मी अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग घर का सीन हमेशा ऐसे, आज तो फिर भी बहुत सटल है, सिर्फ उधर ही ये टॉयज बनना पूरे घर में फैले होते हैं। सो लेट्स ओपन आवर, ये तो जैसे मैंने बताया ना कि आज मैं खुद को सेल्फ पैम्पर और उसके उसमें हूँ। जैसे सुबह मैंने आपके साथ शेयर करा कि आज मैंने ये चीज़ें करी, नेक्स्ट आज मैं दोपहर में सो गई विच इज़ नॉट सो यूजुअल। इवन मैं काफ़ी बार रात में भी नहीं सोती हूँ तो भी मैं दिन में नहीं सोती हूँ, अवॉइड करती हूँ सोना, बट आज तो मैंने कहा कि चलो ठीक है देखा जाएगा रात में कुछ कर लेंगे, क्योंकि कल सैटरडे है वैसे भी। ऑल्दो चीकू का जो स्कूल होता है वो सैटरडे को ऑफ होता है, प्री प्राइमरी स्कूल बेसिकली सैटरडे को ऑफ रहते हैं यूजुअली, बट कल उसका पूल पार्टी है तो कल वो 9:30-10 बजे जाएगा। तो भी मतलब इतना ज़्यादा हेडेक वाला नहीं है कल, क्योंकि शर्मा जी भी घर में है तो थोड़ा उनके साथ ईजी हो जाता है, वो थोड़ा सा हेल्प करवा देते हैं मॉर्निंग का रूटीन में जो भी होता है। तो मैं ये कह रही थी हाँ, अगर आप कभी लो होते हैं ना तो आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से आप खुद को मॉमी बनने के बाद में ना कोई भी चीज आप अकेले एंजॉय नहीं कर सकते, मतलब बन भी नहीं करते ऑब्वियसली, लेकिन मॉमी बनने के बाद में ना आपके लिए ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी चीज एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको पता होता है कि भाई बच्चा भी है साथ में, एंड इफ ही हैज़ अ स्वीट टूथ, ही और शी हैज़ अ स्वीट टूथ, तो फिर आप कर ही नहीं सकते। एंड चीकू इज़ वन ऑफ दैम। चीकू को मीठा बहुत पसंद है, हम लोग काफ़ी कंट्रोल में उसको देने की कोशिश करते हैं बट उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरा वॉफल आ गया एंड दिस इज़ यम, दिस इज़ रियली यम। वॉफल बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मम्मा खिला देगी, तुम खा नहीं पाओगे अकेले, ये लो पहले नोजी साफ करो। जाओ अभी खाएगा, पूरा घर गंदा करेगा, इधर दो चॉकलेट्स के हाथ लगाएगा, मतलब खाते तो प्रॉपर तरीके से बट ये है ना साथ में इसलिए मुझे ऐसे खाना पड़ रहा है। हाँ धो करो, हाँ
एज पर द रिपोर्ट्स कॉफ़ी का प्लान तो कैंसिल हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और चीकू है भूखा। हम लोग जस्ट पीकू को वॉक करा के लेकर आए हैं, चीकू को भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो वी आर प्लानिंग के हम क्या बनाएंगे, हम लोग कढ़ी चावल बनाएंगे अभी डिनर में, या फिर कढ़ी चावल रोटी बनाएंगे, देखते हैं कितना बना पाते हैं। तो ये वाला प्लान है अभी का। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं इसी नोट पे। ओवरऑल जब भी आपको लो लगे ना, या तो ये वाला व्लॉग देख लेना मेरा, या फिर जो भी चीज़ें मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी ना, वो चीज़ करके देखिए। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया सुबह मेरे फेस पे किस तरीके का मेरा फेस था, एंड अभी तक मेरे मतलब लाइक अब जाके मेरे फेस पे एक होता ना एनर्जेटिक एकदम रिजुविनेटिंग जो फीलिंग होती है ना, वो चीज़ हो गई है। अभी मैंने किसी से बात भी करी अपने पास में तो मुझे और अच्छा लगा बात करके। सो ओवरऑल ये चीज़ें थी। तो आज मैं किस नोट पे मैंने अपना डे स्टार्ट किया था, और अभी का मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ ना इस टाइम पे, लाइक अभी मैं डिनर बनाऊंगी एंड फिर देखते दो तीन चीज़ें मैंने प्लान करी वो मैं करूँगी। तो यही था आज के ब्लॉग में, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था शेयर करने को, बट यही था कि अगर लो फील होना तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, जो आप बहुत टाइम से नहीं कर पाए अपने साथ में, तो आपका डे अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा फील करने लग जाएंगे, लाइफ फील करने लग जाएंगे। तो इसी के साथ में इस ब्लॉग को एंड करते हैं, लगा रही हूँ, और मिलते हैं इसके साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।